फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे लहंगा और क्रॉप टॉप की कटिंग और स्टिचिंग कैसे करनी है। इसके लिए जो टॉप है क्रॉप टॉप, उसका मटेरियल यहाँ पे मैंने 1 मीटर लिया है। लहंगे के लिए 3.5 मीटर का फैब्रिक लिया है और लहंगे का जो लाइनिंग है वो भी मैंने 3.5 मीटर लिया है। 0.5 मीटर फैब्रिक यहाँ पे लिया है हमने अस्तर के लिए क्रॉप टॉप के। तो सबसे पहले इसकी ड्राफ्टिंग कैसे करनी है वो देखेंगे। तो सबसे पहले हम क्रॉप टॉप की कटिंग करेंगे। तो इसके लिए फैब्रिक यहाँ पे मैंने 4 फोल्ड में रखा है। देखिए 4 फोल्ड में 4 लेयर में फैब्रिक है। ये ओपन साइड है, ये बंद साइड है। और यहाँ पे लेंथ कितनी रखनी है तो देखिए, सबसे पहले हमें क्रॉप टॉप की जो रेडी लेंथ रखनी है वो 15 इंचेस रखनी है। 15 इंचेस रेडी रखना है। तो इसमें हमने 1 इंच जो है एक्स्ट्रा लिया है सीम अलाउंस के लिए। अब ऊपर वाली साइड में यहाँ पे लेंगे शोल्डर का मेजरमेंट। तो शोल्डर यहाँ पे 12 इंचेस है। नेक डीप रखना है तो 12 इंचेस आपको शोल्डर लेना है। 6 इंचेस पर मार्क कर लूंगी मैं। सीधे नीचे आमोल के लिए मार्क करेंगे। आमोल यहाँ पे 7 इंचेस पर मार्क करेंगे। और देखिए सीधी लाइन जो है यहाँ पे ड्रॉ कर लेनी है आमोल के लिए। आमोल के लिए स्ट्रेट लाइन जो है ड्रॉ कर ली है। यहाँ पे लेना है चेस्ट का मेजरमेंट। तो चेस्ट है यहाँ पे 32 इंचेस, डिवाइडेड बाय 4 करके 8 इंचेस पर मार्क कर लूंगी और यहाँ पे लाइन एक्सटेंड कर लेंगे। यहाँ पे वेस्ट जो है वो है 30 इंचेस। तो यहाँ पे 7.5 इंच पर मार्क करेंगे वेस्ट के लिए। ठीक है, 7.5 इंच पर मार्क करेंगे। जो भी वेस्ट है उसे डिवाइडेड बाय 4 कर लीजिए। इन दोनों पॉइंट्स को हमें कनेक्ट कर लेना है स्केल की हेल्प से। देखिए स्केल की हेल्प से यहाँ पे दोनों पॉइंट्स हमने कनेक्ट कर लिया है। मार्जिन यहाँ पे 2 इंचेस की मार्जिन ले लेंगे हम पूरे पार्ट में, ताकि ज्यादा दिन जो है यहाँ पे क्रॉप टॉप हमें वेयर कर सके। ये जो लहंगा और क्रॉप टॉप है ये कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए है। अब हमें आमोल के लिए मार्क करना है। फ्रंट आमोल के लिए 1 इंच पर, बैक आमोल के लिए 1.5 इंच पर मार्क करेंगे और आमोल स्केल की हेल्प से यहाँ पे आमोल का शेप जो है ड्रॉ कर लेंगे। तो ये हो गया फ्रंट वाला शेप हमारा आमोल का। अब देखिए बैक शेप जो है, सिर्फ आपको कर्व जो है घुमा के यहाँ पे सेट कर लेना है अच्छे से। ये हो गया बैक आमोल का शेप। तो इस जो ये जो क्रॉप टॉप है हमारा, इसमें हम बोट नेक बनाएंगे। तो यहाँ पे नेक की चौड़ाई जो है 3.5 इंचेस लेंगे। देखिए नेक की चौड़ाई जो है 3.5 इंचेस ले लीजिए। अब नेक डीप कितना रखना है तो यहाँ पे फ्रंट और बैक नेक दोनों सेम रखेंगे। तो 4 इंच पर मैं मार्क करूंगी, लगभग 4 इंच पर मार्क करेंगे और यहाँ पे स्क्वायर शेप जो है ड्रॉ कर लेना है। बैक साइड में नेक का जो है पैटर्न बनेगा हमारा, बैक ओपन ब्लाउज रहेगी ये। तो देखिए यहाँ पे मैंने मार्क कर लिया है और स्क्वायर शेप ड्रॉ कर लिया है। देखिए यहाँ पे बोट नेक का शेप जो है, स्केल को ऐसे रखते हुए हमें बोट नेक का शेप ड्रॉ कर लेना है। देखिए ऐसे फ्रंट और बैक नेक सेम रहेंगे यहाँ पे बोट नेक पे। 1/2 इंच शोल्डर जो है डाउन कर लेंगे हम। अब एज इट इज इसकी कटिंग कर लेनी है। सबसे पहले बैक आर्म होल की कटिंग कर लेंगे। अब जैसे हमने नेक की मार्किंग की है एज इट इज वैसे ही कटिंग कर लेंगे। देखिए फ्रंट और बैक नेक सेम रखेंगे। दोनों पार्ट्स को सेपरेट करते हुए हम बैक वाले नेक का पैटर्न जो है वो ड्राफ्ट करेंगे। ये हो गई। अब आमोल का जो ये जो शोल्डर पार्ट है 1/2 इंच, उसे कट कर लेंगे। ये फ्रेंड्स यहाँ पे मेरे फ्रंट पार्ट जो है सेपरेट कर लिया है। अब देखिए जो सेंटर वाला पार्ट है ये जो है बंद बाजू है, वहां से हमें यहाँ पे टक्स पॉइंट का मार्क कर लेना है। तो 4.25 इंच पर मैं मार्क करूंगी। देखिए 4.25 इंच, 3.5 से 4.25 इंच तक मार्क कर लीजिए। अब ये पॉइंट जो है हमें ऊपर 4.5 इंच तक लेना है, 4.5 इंच तक। अब इन दोनों पॉइंट्स को हमें कनेक्ट कर लेना है। तो यहाँ पे स्केल की यूज से भी आप इन पॉइंट्स को कनेक्ट कर सकते हो। इन पॉइंट्स को मैंने कनेक्ट कर लिया है और यहाँ से भी आपको 4.25 इंच ही आना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे ये करेक्ट है मार्क हमारा। देखिए ये मार्किंग हो जाने के बाद हमें यहाँ से सेंटर से 1 इंच जो है लेना है। तो यहाँ से 1/2 इंच, यहाँ से 1/2 इंच, 1/2 इंच यहाँ से हम फोल्ड करेंगे। देखिए टक्स पॉइंट जो है ऐसे ही निकलता है क्रॉप टॉप में है, और ये जो है कॉलेज गोइंग गर्ल के लिए है। सो यहाँ पे टक्स पॉइंट जो है छोटा रहेगा हमारा। अब देखिए यहाँ से हमें प्रिंसेस कट का शेप जो है दे देना है। तो देखिए एज इट इज ऐसे आपको ये शेप जो है यहाँ पे मिला लेना है आर्म होल पार्ट में। तो ये हो गया हमारे प्रिंसेस कट का शेप। तो देखिए दोनों साइड मार्किंग हमने कर ली है एज इट इज। अब हमें बैक पार्ट की कटिंग कर लेनी है बैक नेक की। यहाँ पे मैंने बैक पार्ट लिया हुआ है और इसे सेंटर से फोल्ड कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे शोल्डर पॉइंट जो है हमारा, वहां से हमें नेक डिप कितना रखना है। तो यहाँ पे देखिए नेक हमें डिप रखना है 10 इंचेस। 10 इंचेस पर मैंने मार्क कर लिया है और यहाँ पे एक लाइन जो है सीधी में ड्रॉ कर दूंगी। देखिए ये हो गया हमारी सीधी लाइन ड्रॉ। और यहाँ पे भी आप देख सकते हो इसका जो आ रहा है वो 6 इंचेस आ रहा है, लगभग 6 इंचेस तक। तो यहाँ पे हमें नेक का शेप जो है ड्रॉ कर लेना है। आप आपके अकॉर्डिंग कौन सा भी नेक का शेप जो है ड्रॉ कर सकते हो। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे नेक का शेप ड्रॉ करने के लिए 4 इंच पर एक मार्क करेंगे और यहाँ से पूरा जो है हमें क्रॉस में, ये देखिए ऐसे जो है नेक बना लेना है।
और ये जो ऊपर वाला पार्ट है यहाँ पे आप नॉट भी इंसर्ट कर सकते हो, या फिर आपको बटन लगाना है तो आप बटन लगा सकते हो। तो यहाँ पे मैं नॉट इंसर्ट कर लूंगी इसमें, जिससे लुक जो है प्यारा आ जाता है। तो ये हो गया हमारा पार्ट। अब देखिए इसे हल्का सा हमें ऐसे शेप देना है, देखिए ये जो शेप है ऐसे देना है, हल्का सा राउंड शेप देते हुए। एज इट इज ऐसे ही हमें मेन फैब्रिक पर कटिंग कर लेनी है। ये जो है मेन फैब्रिक है, सेम ऐसे ही कटिंग कर लेंगे। जो हुए पार्ट में से हमें स्लीव्स की कटिंग कर लेनी है। स्लीव्स के लिए यहाँ पे फैब्रिक मैंने 4x में रखा है। अब देखिए ये जो ओपन वाला पार्ट है वहां से हमें 3 इंच पर मार्क कर लेना है। स्लीव्स की पूरी लेंथ कितनी लेनी है, तो यहाँ पे स्लीव्स जो है एल्बो तक रहेगी, एल्बो से थोड़ी सी ऊपर, तो 10.5 इंच पर मार्क कर लिया है मार्जिन समेत। 10 इंच की जो है यहाँ पे स्लीव्स रेडी हो जाएगी। यहाँ से 1 इंच पर मार्क कर लेना है। अब देखिए यहाँ से स्लीव्स का शेप जो है ड्रॉ कर लेना है हमें। ऐसे स्लीव्स का शेप दे देंगे, यहाँ से फ्री हैंड आपको शेप देना है अच्छे से गोलाई देते हुए। ये हो गई हमारी स्लीव्स की मार्किंग हो गई है। अब देखिए 1/2 इंच अंदर से और एक मार्क करेंगे हम। ये हो गया फ्रंट स्लीव्स का जो पार्ट है उसकी कटिंग। इस स्लीव्स का बॉटम कितना रखना है, तो यहाँ पे 5 इंच तक हम रेडी रखेंगे। ये मेजरमेंट हमारे पास हमें मिला नहीं है, तो 5 इंच रेडी रखेंगे। प्लस इसमें हमें मार्जिन लेनी है 1.5 इंच की। ये रेडी रहेगा और इतनी मार्जिन रहेंगे। इन दोनों पॉइंट्स को हमें कनेक्ट कर लेना है, देखिए ऐसे स्केल की हेल्प से। तो ये हो गई हमारी स्लीव्स की मार्किंग, एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे। फ्रेंड्स यहाँ पे स्लीव्स की कटिंग हो चुकी है और मेन फैब्रिक पर भी हमने कटिंग कर ली है। अब हम बढ़ते हैं लहंगे की कटिंग की ओर। लहंगे का जो फैब्रिक है यहाँ पे मैंने डबल फोल्ड में रखा है, आप देख सकते हो ये जो पूरा फैब्रिक है डबल फोल्ड में रखा है। अब हमें इसे 4x में करना है ट्रायंगुलर शेप में। तो कोई भी एक कोना फैब्रिक का मैं उठाऊंगी, ऐसे देखिए ये कोना उठाऊंगी और तिरछे में मिला दूंगी, तो ये हमारा ट्रायंगुलर शेप में हो जाएगा अच्छे से। देखिए ये जो ट्रायंगुलर वाला पार्ट है वहां पे आपको वेस्ट का मेजरमेंट लेना है। तो वेस्ट है 34 इंचेस, इंच टेप पे 34 इंचेस लेना है। देखिए यहाँ पे इंच टेप पर 34 इंचेस है, इसे एक बार फोल्ड करेंगे 34 इंच पर और एक बार फोल्ड करेंगे, तो ये 4x में टेप हो जाएगा हमारा। देखिए यहाँ पे 34 इंचेस है, टेप को 4x में कर लिया है। अब एज इट इज यहाँ पे इंच टेप को रखेंगे 4x में परफेक्टली और यहाँ पे मार्किंग कर लेंगे। तो यहाँ पे हमारी मार्किंग आ रही है, एक लाइन जो है ड्रॉ कर ली है, ड्रॉ करके मार्किंग कर ली है। अब देखिए यहाँ से इंच टेप को रखेंगे कॉर्नर पॉइंट पर, यहाँ पे आ रहा है 10 इंचेस, लगभग हमारा 10.5 इंच आ रहा है। तो पूरे फैब्रिक पे देखिए यहाँ पे 10.25 इंच पर ये जो राउंड है हमारा बन जाना चाहिए। तो 10.25 इंच ये जो वेस्ट लाइन का राउंड है वो हमने यहाँ पे मार्क कर लिया है। अब इंच टिप को ये ओपन वाली साइड है वहां पे रखेंगे अच्छे से। ओपन वाली साइड इंच टिप को रखते हुए टोटल हमें 40 इंच पर मार्क करते जाना है। तो यहाँ पे 40 इंच फैब्रिक आ रहा है हमारा, ऐसे ही हमें ये जो वेस्ट लाइन का सर्कल है वहां पे इंच टिप को रखना है और 40 इंच पर मार्क करते जाना है पूरे ये जो सर्कल है हमारा वहां पे। इस यहाँ पे पूरे राउंड में 40 इंच पर मार्क कर लिया है। ये जो बॉटम हमारा बनेगा वो 38 इंच का नीचे वाला बॉटम रेडी हो जाएगा। 2 इंच इसमें हमने मार्जिन ली है, इसलिए 40 इंच पर मार्क किया है। इसमें से हमारी 2 इंच का जो है ऊपर का लहंगे का बेल्ट जो है इसमें ऐड हो जाएगा। अब एज इट इज इसकी कटिंग कर लेंगे और जो भी इसका लाइनिंग है उसकी जो लेंथ है इससे कम, मतलब 38 इंच का लहंगा 40 इंच का लहंगा रेडी हो जाएगा यहाँ पे और 38 इंच का लाइनिंग रहेगा हमारा। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लहंगे की जो है हमारी कटिंग जो है कम्प्लीट हो चुकी है। एज इट इज ऐसे ही हमें लाइनिंग के फैब्रिक की कटिंग कर लेनी है। हम बढ़ते हैं स्टिचिंग की ओर। तो ये जो है लहंगे की सीधी साइड है, अब हमें इसे ओपन कर लेना है पूरे लहंगे को और ये जो है उल्टी साइड है, देखिए उल्टी साइड में रखना है लहंगे को ऐसे और लाइनिंग का पार्ट लेना है। लाइनिंग का जो भी पार्ट है इसे हमें इसके ऊपर बिछा लेना है, देखिए ऐसे ऐसे बिछाएंगे। और देखिए ये जो वेस्ट लाइन है, वेस्ट लाइन से वेस्ट लाइन हम यहाँ पे स्टिच कर लेंगे। अस्तर जो है पूरे वेस्ट लाइन में हमें स्टिच कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे अस्तर जो है पूरे लहंगे में हमने ज्वाइंट कर लिया है दोनों साइड से फिनिशिंग के साथ। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे मैंने जो अस्तर का बॉटम है या लाइनिंग का जो बॉटम है इसे भी मैंने सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच कर लिया है पूरा बॉटम। अब हमें ये जो लहंगे का मेन फैब्रिक है, देखिए मेन फैब्रिक है ये, हमें मेन फैब्रिक को यहाँ पे हमने 2 इंच जो है मार्जिन ली थी। तो देखिए सबसे पहले 1/2 इंच ऐसे फोल्ड कर लेना है। 1/2 इंच फोल्ड करते हुए पूरे लहंगे में हमें यहाँ से स्टिच कर लेना है। उसके बाद फिर से इसे ऐसे डबल फोल्ड कर लेना है और पूरा जो बॉटम है हमें ऐसे ही सिंपली डबल फोल्ड करके स्टिच कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लाइनिंग का बॉटम फोल्ड कर लिया है और मेन फैब्रिक का जो बॉटम है वो भी हमने यहाँ पे फोल्ड कर लिया है, पूरा जो है ऐसे ही फोल्ड कर लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए लहंगे को फिर से ओपन कर लेना है
और जो भी हमने बेल्ट कट किया था, देखिए यहाँ पे लगभग हमने 5 इंच का जो बेल्ट है वो कट किया है और बेल्ट को अस्तर लगा लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए ये बेल्ट का जो है मेन फैब्रिक और लहंगे का मेन फैब्रिक, दोनों मेन फैब्रिक आमने सामने रखते हुए हमें ये जो पूरा बेल्ट है इसमें स्टिच कर लेना है ऐसे। उसके बाद इसे सिंपली ऊपर की साइड से 1/2 इंच फोल्ड करते हुए अंदर की साइड टर्न करेंगे, देखिए ऐसे, तो ये हमारा बेल्ट बन जाएगा। बेल्ट जो है लहंगे में अटैच कर लिया है एक साइड से। अब हमें लहंगे को उल्टा कर लेना है, फिर से लहंगे को उल्टा कर लेंगे और जो भी हमारा बेल्ट है देखिए इसे सबसे पहले 1/2 इंच ऊपर से फोल्ड कर लेना है ऐसे। ऊपर से 1/2 इंच पूरा फोल्ड करके स्टिच कर लीजिए। उसके बाद हमें ये जो बेल्ट है देखिए अंदर की साइड टर्न करके ये जो सिलाई है उसके ऊपर लेना है ऐसे। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे बेल्ट जो है लहंगे में बहुत ही फिनिशिंग के साथ यहाँ पे अटैच हो चुका है और यहाँ पे डबल स्टिच जो है हमने लगाई ली है। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ से साइड से फिटिंग कर लेनी है पूरे लहंगे में, जो ओपन पार्ट है ये इसे स्टिच कर लेना है। चारों पल्ले एक साथ ही आप यहाँ पे स्टिच कर सकते हो, देखिए ये दोनों लाइनिंग के पार्ट, दोनों लाइनिंग के पार्ट और ये पूरा जो है हमें स्टिच कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे लहंगा जो है हमारा बनके रेडी हो चुका है और इसे लुक भी बहुत प्यारा आ चुका है। अब हम इसके ऊपर जो क्रॉप टॉप बना रहे हैं उसकी स्टिचिंग कर लेंगे। यहाँ पे टॉप का जो मेन फैब्रिक है वो मैंने लिया है। अब हमें क्या करना है, देखिए इसके ऊपर लाइनिंग का फैब्रिक रखना है। ये जो है फ्रंट वाला पार्ट है, फ्रंट वाले पार्ट के ऊपर फ्रंट वाला पार्ट रख लीजिए अच्छे से। और ये जो पूरा पार्ट है हमें पिन से सिक्योर कर लेना है और नेक वाला पार्ट पिन से सिक्योर कर लेना है। देखिए दोनों पार्ट्स को हमने पिन्स लगा ली है। अब देखिए नेक का पार्ट इसे स्टिच कर लेना है सबसे पहले, और इसे नेक का पार्ट जो है ये नीचे वाला पार्ट इसे भी स्टिच करेंगे हम, ये जो पैटर्न है इसे। साथ ही साथ ये जो बॉटम है वहां पे हमें 1/2 इंच का मार्जिन देते हुए इसे स्टिच कर लेना है। अब देखिए ये जो फ्रंट वाला पार्ट है उसमें भी हमें नेक स्टिच कर लेना है, सिर्फ लूज में भी अस्तर जो है पूरा अटैच कर लेना है हमें चारों साइड से। और ये जो बॉटम है इसे भी हमें 1/2 इंच का डिफरेंस देते हुए फोल्ड कर लेना है। फ्रेंड्स यहाँ पे फ्रंट और बैक नेक जो है यहाँ पे हमने रेडी कर लिए है। अब देखिए हमें इसकी कटिंग कर लेनी है अच्छे से, जो एक्स्ट्रा पार्ट है मेन फैब्रिक का उसे कट कर लेंगे। आप चाहे तो ये सब नेक जो है कैनवास पेपर पे भी कट कर सकते हो और ऐसे भी सिंपल से तरीके से आप इसे कट कर सकते हो। तो देखिए एक्स्ट्रा फैब्रिक को कट कर लेंगे सबसे पहले। देखिए सेंटर से ये जो पार्ट है इसे भी हमें कट कर लेना है और एक्स्ट्रा जो फैब्रिक है मेन फैब्रिक इसे भी कट कर लेना है, यहां से इसे पूरा कट कर लेंगे। फ्रेंड्स देखिए नेक के पार्ट जो है अब हम सीधी साइड टर्न करेंगे। तो देखिए ऐसे यहाँ पे मैंने नॉट जो है यहाँ पे इंसर्ट कर ली है बैक पार्ट में। अब ये नॉट जो है हमें बाहर लेनी है, देखिए अच्छे से यहाँ पे नॉट जो है बाहर आ चुकी है। ऐसे ही दूसरी वाली साइड जो है वो हमें सीधा कर लेना है। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पे दोनों फैब्रिक जो है हमने सीधी साइड टर्न कर लिया है, ये जो है बैक पार्ट है। अब नेक के ऊपर टॉप स्टिचेस लगा लेने हैं बैक पार्ट के, और वैसे ही ये जो फ्रंट वाला पार्ट है उसके नेक के ऊपर टॉप स्टिचेस लगा लेंगे और आर्मोल पार्ट में जो है अस्तर ज्वाइन कर लेंगे। फ्रंट वाले पार्ट में जो भी हमने प्रिंसेस कट का शेप दिया है यहाँ पे इसे ऐसे पकड़ते हुए जो भी मार्किंग हमने की है मार्किंग के अकॉर्डिंग ही हमें ऐसे 1/2 इंच जो है देखिए ऐसे पकड़ते हुए स्टिच कर लेना है। ये पार्ट भी हमें ऐसे ही राउंड शेप में स्टिच कर लेना है। शोल्डर से शोल्डर जो है हमने अटैच कर लिए है यहाँ पे, और ये जो कट है हमारा इसे भी हमने ज्वाइंट कर लिया है। प्रिंसेस कट का शेप जो है पूरा आ चुका है। बैक वाले पार्ट जो है इसमें हमने यहाँ पे नेक पार्ट पे डिजाइन की है कॉन्ट्रास्ट कलर में, और हुक और आई की पट्टी जो है यहाँ पे अटैच कर ली है, तो ये ऐसे हो जाएगा। अब देखिए हमें स्लीव्स जो है वो रेडी कर लेनी है। तो यहाँ पे देखिए स्लीव्स को जो है अस्तर हमने अटैच कर लिया है, अस्तर जो है अटैच है। स्लीव्स में भी हमें डिजाइन कर लेनी है कॉन्ट्रास्ट कलर की। तो देखिए यहाँ पे मैंने स्ट्रिप जो है रेडी कर ली है, ये जो स्ट्रिप है इसकी हम फ्रिल बनाएंगे, तो यहाँ पे स्ट्रिप डबल फोल्ड कर ली है। अब देखिए ये जो स्ट्रिप है उसमें हमें ऐसी छोटी छोटी प्लेट्स लेनी है। देखिए छोटी छोटी प्लेट्स लेते हुए यहाँ पे ये फ्रिल जो है हमें पूरी ये जो हमारी स्लीव्स है उसके बॉटम पार्ट में अटैच कर लेनी है। यहाँ पे आपके अकॉर्डिंग जितनी चाहिए उतनी फ्रिल अटैच कर सकते हो। देखिए फ्रेंड्स दोनों स्लीव्स जो है उसमें हमने फ्रिल जो है अटैच कर ली है और बहुत ही फिनिशिंग इसे आ चुकी है और लुक भी बहुत प्यारा आ चुका है। अब देखिए ये जो स्लीव्स है उसके फ्रंट पार्ट को, देखिए स्लीव्स का फ्रंट पार्ट और ये जो ब्लाउज है उसका फ्रंट पार्ट आमने सामने रखते हुए ये जो स्लीव्स है पूरी हमें अटैच कर लेनी है। देखिए स्लीव्स ऐसी रखनी है, दोनों मेन फैब्रिक आमने सामने रखते हुए स्लीव्स जो है अटैच कर लेनी है। फ्रेंड्स यहाँ पे स्लीव्स जो है हमने अटैच कर लिए फिनिशिंग के साथ। अब हमें क्या करना है, देखिए यहाँ पे जैसे मैंने मार्किंग कर रखी है फिटिंग की उसी के अकॉर्डिंग मार्किंग कर लेनी है और साइड से फिटिंग कर लेनी है ये जो क्रॉप टॉप है हमारा उसे।
फ्रेंड्स देखिए यहाँ पे हमने जो ब्लाउज है हमारा या क्रॉप टॉप है उसे फिटिंग कर ली है और बहुत ही प्यारा इसे लुक आ चुका है। और ये जो लहंगा बना है बहुत ही हेवी लहंगा बना है, मैं आपको पूरा लुक जो है दिखाई देती हूँ इसका। देखिए फ्रेंड्स इसी के साथ हमारा ब्यूटीफुल क्रॉप टॉप और लहंगा जो है बनके रेडी हो चुका है। आप देख सकते हो इसे लुक जो है बहुत ही प्यारा आ चुका है। ये जो है इसका ब्लाउज है या फिर इसे क्रॉप टॉप कह सकते हो आप। इसमें जो है स्लीव्स में फ्रिल लगाई है ऐसी। सो फ्रेंड्स कैसा लगा आज का हमारा वीडियो कमेंट्स करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, नीचे दिए गए हुए बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।